गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन चैप्टर 7 पॉसिसिव सब कर रहे थे, जो कि आपका है पेज नंबर 34 में। तो बच्चे, इसमें हमने पॉसिसिव में हमने बुक में फिल किया था। इसमें हमने राइम्स लर्न की थी, राइम्स को देखा था, राइम्स में प्रोनाउन यूज हुए थे उनको देखा था। फिर कुछ सेंटेंस हमारे किससे बने थे, हमारे सेंटेंस बने थे आई, माई, यू और योर्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़े थे शी, ही, हिज और हर का यूज़ करते हुए। फिर हमने कुछ सेंटेंस पढ़े थे इसमें वी, आवर, दे एंड देयर का यूज़ करते हुए। आज हम पढ़ेंगे इसमें पेज नंबर, आप ओपन कर लीजिए 37। पेज नंबर 37 में एक पैराग्राफ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई, these are her toys, these toys are hers, it is your pen, this pen is yours, it is our mistake, the mistake is ours, this is his pet dog, this pet dog is his, this is their house, this house is their, okay। आप देखिए क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या है। Note words like my, her, yours, ours, his, its, their, extra are used before a noun। यानी कि जो words हैं, जैसे मेरा, इस, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, इसका use हम करेंगे noun से पहले, जो संज्ञा आएगी उससे पहले। Thus they describe a noun। However words like, अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे वर्ड्स आते हैं कुछ, माइन, हर्स, हर्स, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे माई आया था ऊपर, यहाँ आया माइन, हर आया था तो यहाँ पे आया हर्स, हिज, इट्स, यूअर्स, दियर्स, समय एस लग रखा है, एंड आवर्स आर यूज द प्लेस ऑफ नाउन, दे आर पॉसेसिव नाउन। ये यूज़ होंगे कहाँ पे, जहाँ पे नाउन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉसेसिव नाउन। अब देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे दीज आर इमलीज ड्रेसेस, तो इसका आएगा दीज ड्रेसेस आर हर्स, ठीक है, यानी कि ये उसकी ड्रेसेस हैं, हर्स, ठीक है, इमली की, ठीक है। अब है सेकेंड, द यूनिफॉर्म बिलोंग टू द बॉयज, तो दियर या दियर्स, तो यहाँ पे आएगा दियर्स, क्या आएगा दियर्स। ये कपड़े किससे बिलोंग करते हैं, इन लड़कों से, दियर्स। थर्ड, आई हैव मेड द प्लेन, तो द प्लेन इज माई, नहीं माइन, ये प्लेन किसका है, माइन, मेरा है। द लगेज बिलोंग टू अस, तो यहाँ पे आएगा द लगेज इज आवर्स, ये लगेज क्या है, हमारा, क्योंकि बिलोंग कर रहा है हमसे, तो ये है हमारा, आवर्स। द बेबी बिलोंग टू अ वूमेन, तो द बेबी इज हर, द बेबी इज हर, ये बेबी उसकी है, एक है ना। सिक्स, द बुक बिलोंग टू मी, तो दिस बुक इज माइन, ओके। नाउ टर्न योर पेज, अब आगे है, दैट इज शोल्डर्स गन, द गन इज हिज, द गन इज हिज, उसकी है, किसकी, सोल्जर्स की गन है। यू मेड द हिज, यू मेड दिस मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज यूअर्स, क्योंकि तुम्हारी गलती है, ओके। अब है फन टाइम में, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अ ट्री। अब बच्चे यहाँ पे ट्री है, अब ये पूरा नहीं आ रखा है, तो इस ट्री को आप अपनी बुक में देखिए, सबसे नीचे देखो अवर्स, ठीक है, देयर्स, हर्स, हिज, योर्स, माइन, यानी कि अवर्स यानी कि हमारा, हर्स उसका, यानी कि लड़कियों के लिए यूज़ हो रहा है, देयर्स बहुत सारे, योर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, हिज बॉय के लिए, माइन मतलब मेरा। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सबसे पहले है द स्कूल वर वी स्टडी इज डैश आवर्स, द स्कूल वेयर वी स्टडी इज आवर्स,
जहाँ पढ़ने जाते हैं वो किसके स्कूल है? हमारे। यू कैन लिव इन दिस रूम फ्रॉम नाउ ऑन दिस रूम इज, यू कैन लिव इन दिस रूम फ्रॉम नाउ ऑन दिस रूम इज योअर्स। कैन यू लिव इन दिस रूम, क्या तुम इस कमरे से जा सकते हो? फ्रॉम नाउ ऑन दिस रूम इज योअर्स। सनी आई कैप्ट माई बुक ऑन द सीट, दिस सीट इज माई। सनी आई कैप्ट माई बुक, मैं अपनी बुक रख रहा हूँ कहाँ? सीट में, क्योंकि सीट के माइन यानी कि मेरी है। फोर्थ द टीचर हैज़ लेफ्ट दिस नोटबुक फॉर आर्यन, आई थिंक द बुक इज हिज। मैडम ने ये बुक छोड़ दी थी आर्यन के लिए, मुझे लगता है ये उसकी है। हिज किसके लिए यूज़ हो? आर्यन के लिए, हिज। फिफ्थ द ओल्ड वूमन वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, आई हैव फाउंड दिस वॉलेट, आई एम श्योर इट इज हर्स। यानी कि ये कह रहा है एक बूढ़ी औरत जो क्या देख रही थी, देख ढूंढ रही थी, आई हैव फाउंड दिस वॉलेट और मुझे ये पर्स मिला है, तो मैं श्योर हूँ ये उनका होगा। तो ओल्ड वूमेन है तो हर्स ये उनका होगा। दिस पीपल हैव मूव्ड इन टू न्यू हाउस, द हाउस इज देयर्स। लोग क्या हैं, इस घर से चले गए हैं, उस घर से चले गए, मूव चले गए हैं। दिस हाउस इज देयर, ये उनका घर है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। अब इन्हीं एक्सरसाइज को हम सेंटेंस बना के अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमने ये बुक में फिल कर लिया है, अब इनको हम अपनी कॉपी में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।